पेट्रोल डीजल के बढ़ते हुए दामों पर कांग्रेसी नेता लगातार भाजपा सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर केंद्र सरकार को घेरा है। पठानिया ने कहा कि जो लोग विपक्ष में रहते हुए महंगाई पर सवाल उठाते थे, उनकी सरकार में अब महंगाई आसमान छू रही है। पूर्व विधायक कुलदीप पठानिया ने कहा कि वर्तमान में जो लोग सरकार में हैं, विपक्ष में रहते हुए उन्होंने महंगाई के खिलाफ बड़े बड़े स्तर पर प्रदर्शन किए, लेकिन अब लगातार महंगाई उनके शासनकाल में बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में तेल की कीमत 135 प्रति बैरल थी, जो कि अब महज 40 प्रति बैरल है, लेकिन अब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए गए हैं। आज वर्तमान सरकार केंद्र में शासित है, वो जब अपोजिशन में थी तो उन्होंने महंगाई के लिए, महंगाई के नाम से और बढ़ती कीमतें पेट्रोल के नाम से इन्होंने बड़ी भारी धरने प्रदर्शन किए, और उस वक्त जो पेट्रोल की कीमत थी वो 135 डॉलर बैरल की, आज 40 रुपये डॉलर है, और उसके बावजूद भी पेट्रोल की कीमत जो है वो 80 रुपये से ऊपर जो है वो दिल्ली और शहरों में चली गई है। हम ये आज के सरकार जिसने सत्ता ली है, भ्रष्टाचार के खिलाफ, बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ, कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें ये सरकार नाकाम साबित हुई है, और आने वाले कल के लिए देश में जो बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, या जो आज कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं हमारे देश के चारों तरफ, उसके लिए पूरी की पूरी जिम्मेवारी इस वर्तमान सरकार के और पीएम मोदी की है। उज्ज्वल हिमाचल के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।